आज डिस्कस करेंगे एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन डायनामोमीटर के बारे में। डायनामोमीटर हमें पता है क्या करता है, ये पावर और टॉर्क को मेजर करने के काम आता है। तो आज हम एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन का यूज़ करेंगे पावर और टॉर्क को मेजर करने के लिए। एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन क्या होती है कि एक तरह का गियर्स का कम्बिनेशन है। जैसे कि मान लीजिए ये गियर है, ये सन गियर है, उसके बीच में प्लैनेट गियर्स हैं इस तरह से। तो हमारे पास क्या है, तीन गियर हैं, मान लीजिए एक दो और तीन गियर। तो ये तीन गियर जो हैं, अगर हम एक गियर को भी इनमें से फिक्स करते हैं तो ये इंडिपेंडेंटली उसके रिलेटिवली मूव करेंगे। मान लीजिए हम इसको फिक्स करते हैं तो ये दोनों मूव करेंगे, इसको फिक्स करते हैं तो ये दोनों मूव करेंगे, और सन गियर को फिक्स करते हैं तो ये दोनों मूव करेंगे। तो इनके जो मोशन में फ़र्क आएगा, जिसको फिक्स करेंगे उसके रिलेटिव दूसरे मोशन करेंगे। मान लीजिए अगर हम सन गियर को, जो ये फर्स्ट वाला गियर है, इसको फिक्स कर लेते हैं तो क्या होगा, तो जब ये रोटेट होगा, तो ये जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो क्या होगा, ये इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, तो ये इस तरह से मूव करेंगे इसके अंदर ही। तो इस तरह से अगर एक गियर को हम फिक्स करते हैं तो दो गियर उसके रिलेटिवली मूव करेंगे। तो ये एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन होती है। तो उसी का यूज़ हमने यहाँ पे किया है डायनमोमीटर के अंदर पावर और टॉर्क मेजर करने के लिए। तो इसको हम समझते हैं, इसके पार्ट्स और इसकी वर्किंग। तो इसके अंदर देखिए, जो ये बाहर है ये हमारा सन गियर है, जो जैसे यहाँ फर्स्ट गियर था, तो हम इसको एनुलर गियर भी बोल सकते हैं, एनुलर गियर या फिर सन गियर आप इसको बोल सकते हैं। और सबसे अंदर वाला ये वाला जो गियर है, ये स्पर गियर जो है, ये कनेक्ट है हमारा ड्राइविंग शाफ्ट से। ड्राइविंग शाफ्ट मतलब जो इंजन की शाफ्ट है जिसकी हमें पावर मेजर करनी है, उससे ये कनेक्ट है। और ये जो गियर है, इन दोनों के बीच में, इस गियर और इस गियर के बीच में, ये जो गियर है ये हमारा फ्रीली रोटेट करेगा इस लीवर के ऊपर। यहाँ पे ये हमने पिन पॉइंट किया हुआ है और ये फ्रीली रोटेट करेगा। ये इसके मोशन को, जो ड्राइविंग शाफ्ट का गियर है, इसके मोशन को इस एनुलर गियर तक ट्रांसफ़र करेगा। तो ये है हमारे गियर की अरेंजमेंट, जो एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन है, ये ड्राइविंग से कनेक्ट है। और जो ये बाहर वाला होता है एनुलर गियर, ये ड्राइवन जो हमारी मशीन होती है उससे कनेक्ट होता है। इनके बीच में है ये लीवर, ये है लीवर, ये लीवर के ऊपर यहाँ बिल्कुल बीचों बीच ये गियर कनेक्ट है। और ये जो है ये हमारा इंजन की शाफ्ट से कनेक्ट है, तो इंजन की शाफ्ट इसको रोटेट करेगी। इस लीवर के बिल्कुल यहाँ एंड पे, यहाँ पे लगा है काउंटर वेट। ये काउंटर वेट क्या काम करेगा, ये काउंटर वेट इसको बैलेंस करने का काम करेगा। इस गियर को बिल्कुल बीच में रखेगा, बैलेंस रखेगा, और इस लीवर को इन दोनों स्टॉप्स के बीच में रखेगा। तो ये बैलेंसिंग का काम करता है जब ये वर्किंग में नहीं होता। और यहाँ पे ये है वेट, वेट का काम क्या है, बैलेंस करना। अगर कोई भी इनबैलेंसिंग होगी तो हम यहाँ पे वेट इंसर्ट करेंगे, इसके अंदर डालेंगे, और ये लीवर बैलेंस हो जाएगा। तो अनबैलेंस ये कैसे होगा, जब ये शाफ्ट रोटेट करेगी, क्योंकि ये इंजन से कनेक्ट है तो ये गियर रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, जो छोटा गियर है। ये छोटा गियर जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो ये जो बिग गियर है ये इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। ये गियर जैसे ही एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा, तो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे टच है, तो ये इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा। जब तक ये स्मूथली मूव नहीं करता, ये भी वैसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा जब मूव करना स्टार्ट होगा। तो जैसे ही ये इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा तो ये लीवर हमारा इस तरफ ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये इससे कनेक्ट है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। और जैसे ही ये ऊपर की तरफ जाएगा तो यहाँ अनबैलेंस होगा और हम यहाँ पे वेट इंसर्ट करेंगे। वेट इंसर्ट करेंगे तो ये लीवर नीचे की तरफ आएगा और बैलेंस कंडीशन में आ जाएगा।
और ये रोटेट करना स्मूथली स्टार्ट कर देगा। वहां पे हम नोट कर लेंगे सारी वैल्यू जो जो हमें चाहिए पावर और टॉर्क को मेजर करने के लिए। तो हमें कौन कौन सी वैल्यू चाहिए? सबसे पहले तो जो लीवर की लेंथ है वेट तक, ये है लेंथ एल, ये हमें चाहिए। और इस सेंटर से इस सेंटर तक जो हमारा दोनों गियर्स का सेंटर है, ये हम ले लेते हैं L1, स्मॉल L1। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए जो हमारा ये गियर है, ये हमारा जो अंदर गियर है जो ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट है, ये इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा। तो टेंजेंशियल फोर्स हमारी लगेगी जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा तो कहाँ पे जाएगी? ऊपर की तरफ। तो मान लीजिए वो टेंजेंशियल फोर्स है F। ये तो है टेंजेंशियल फोर्स जो ये गियर इसके ऊपर लगाएगा, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज है तो ये ऊपर की तरफ टेंजेंशियल फोर्स लगाएगा। एक रिएक्टिव फोर्स लगेगी, क्योंकि एक्शन क्या होता है? इक्वल टू होता है रिएक्शन। तो न्यूटन क्या कहते हैं कि कोई भी एक्शन होगा तो वो रिएक्शन के इक्वल होगा। तो जब हमने इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया, इसके ऊपर टेंजेंशियल फोर्स लगी इस गियर के ऊपर, तो इसको रिएक्टिव फोर्स मिलेगी इस एनुलर गियर से, वो भी सेम मैग्नीट्यूड की होगी। दोनों फोर्स अगर हम जोड़ें तो किसके बराबर होगी? 2F के बराबर, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर है और दोनों एक ही डायरेक्शन में हैं, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएंगी? 2F इंटू जो हमारी इस सेंटर से इस सेंटर तक की डिस्टेंस है वो कितनी है? L1। हम ले रहे हैं मोमेंट इसकी, तो 2F इंटू L1 इक्वल टू टोटल जो इसकी लेंथ है इस सेंटर से इस वेट तक, और जो ये वेट है तो ये क्या आ जाएगा? W इंटू L। तो यहाँ से अगर हम F निकाल लें तो क्या आएगा? W इंटू L बाय 2L1, ये तो आ जाएगा F, जो टेंजेंशियल फोर्स हमारी ऊपर की तरफ लगी है। और टॉर्क क्या होता है? टॉर्क होता है जो ये फोर्स है इंटू RA। RA क्या है? RA है हमारी ये रेडियस जो हमारी ड्राइविंग जो गियर है जो ड्राइविंग शाफ्ट से कनेक्ट है, जिसकी हमें पावर मेजर करनी है, वो इसके बीच का रेडियस इस सेंटर से और इसका जो पूरा आउटर है, तो ये रेडियस ये है। तो F की वैल्यू हमारे पास ये है ही, तो यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं और RA को हम मेजर करके टॉर्क की वैल्यू निकाल सकते हैं। और पावर क्या आ जाएगी? 2 पाई NT। अगर n हमारा जो रेवोल्यूशन है पर सेकंड में है तो ये फॉर्मूला चलेगा। अगर आप इसको पर मिनट निकालना चाहते हैं RPM में, तो 2 पाई NT/60 आ जाएगा। तो आप इस फॉर्मूले को कैसे भी चेंज कर सकते हैं, ये वाट में है, अगर किलो वाट में करना चाहते हैं तो इंटू 1000 हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले को आप किसी तरह से चेंज कर सकते हैं। तो ये था एपिसाइक्लिक गियर ट्रेन डायनेमोमीटर, जिसके थ्रू हम पावर और टॉर्क निकाल सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।